ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। कुछ लोग जब किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें काम में सफलता नहीं मिलती है, घर में सुख शांति नहीं है, या आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको आप नवरात्रि में कर सकते हैं। लौंग के ये उपाय हैं। इन उपायों को करने से दोस्तों माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर और आपके घर परिवार पे बनी रहेगी। इन उपायों को करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, आपके घर में सुख शांति भी होगी, और जिस काम को करने के लिए चलेंगे उस काम को सफलता मिलेगी और आपके घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ये उपाय आपको कब करने हैं, कैसे करने हैं। दोस्तों ज़िंदगी में हर इंसान के दुख दर्द परेशानी लगी रहती है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, किसी के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप एक लौंग का उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को अपना कर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। ये उपाय आपको दोस्तों नवरात्रि में करने हैं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आज से शुरू हो गए हैं और 9 दिन तक माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। तो इस दौरान आप लौंग के कुछ सरल से आसान से उपाय आजमाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके घर गृह कलेश में सुधार जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय आपकी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर में लड़ाई झगड़े को दूर करने के उपाय। दोस्तों अक्सर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है घर में नेगेटिविटी के कारण। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है तो घर में कलह कलेश होने लगता है, तो इसके लिए आप एक लौंग का आसान सा उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाइए। ऐसा करने से आपके घर में कलह कलेश, आपकी घर की फैली हुई नकारात्मकता दूर होगी। इस उपाय को चाहे तो आप डेली भी कर सकते हैं। डेली भी आप सुबह नहा धोकर जब पूजा करते हैं तो अपने घर में कपूर और लौंग जरूर जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दीजिए। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आपके घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जब आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए जाते हैं और वो कार्य आपका अधूरा हो जाता है, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई भी कार्य मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बेहद ही सरल सा उपाय है। नवरात्रि के 9 दिन तक आपको एक चमेली के तेल में दीपक में लौंग डालकर जलानी है। इस दीपक को आपको बजरंगबली की तस्वीर के सामने रखना है। यदि आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर भी इस दीपक को जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में आपको दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इसके बाद दोस्तों आपके जितने भी रुके हुए काम है वो सभी काम आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप लौंग का क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों सुख समृद्धि शांति के लिए पूजा करते समय माँ दुर्गा को 2 लौंग जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि आपके घर में नजर दोष है, आपको लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, तो इस नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग के कपड़े में 2 लौंग बांधकर घर के किसी ऐसे कोने में लटका दीजिए जहां उन्हें किसी को दिखाई ना दे, उन पर किसी की नजर ना पड़े। ऐसा करने से आपके घर की लगी नजर हट जाएगी और आपके हर काम बनने लगेंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। दोस्तों यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, तो शारदीय नवरात्रि में लौंग का उपाय जरूर आजमा कर देखिए। नवरात्रि में दोस्तों माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का सबसे प्रिय भोग लौंग माना जाता है। माँ दुर्गा को जब हम लौंग अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आर्थिक सुधार के लिए आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, इसमें आपको 2 लौंग बांधकर घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं उस जगह पर आपको रखनी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। जब आप लौंग को बांधें उससे पहले इन लौंगों को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और इसके बाद इन्हें उठाकर पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ दुर्गा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, इस आर्थिक स्थिति को मैं सुधार लाइए, मेरे ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को उतारने में मेरी मदद कीजिए, सब आपके हाथ में है, ऐसी मनोकामना करते हुए इन लोगों को पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। कर्ज और दरिद्रता आपकी दूर हो जाएगी। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा दोस्तों आपके घर परिवार में सदैव बनी रहेगी। दोस्तों यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और बीमारी इलाज कराने के बाद भी नहीं जा रही है, तो नवरात्रि में आप एक लौंग का छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको तवे पर 7 लौंग भूननी है और भूनने के बाद इन लौंगों को घर के किसी कोने में रख देना है। ऐसा करने से काफी हद तक बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा से आपके परिवार में जो बीमारी है वो दूर होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से उपाय इतने आसान होते हैं, इन्हें आप घर पर कर सकते हैं और इनमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के ये लौंग के चमत्कारी उपाय जरूर करके देखिएगा दोस्तों, आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो में जानकारी इतनी ही, उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए।